जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है अष्टवाश्रम में। आज बात कर रहे हैं पितृ पक्ष के लिए। शीघ्र ही पितृ पक्ष आ रहा है और ऐसे कौन से उपाय कर लिए जाएं जिससे पितृ दोष से भी मुक्ति हो और यदि किसी कारण से जाने अनजाने में हमारे घर में पितृ हमसे खुश नहीं हैं तो वो खुश होकर हमें आशीर्वाद दें और हमारे जीवन में जो असफलताएं या जो कार्य पितृ दोष की वजह से या पितृ के खुश ना होने की वजह से हमारे जीवन में आ रही हैं तो वो समस्याओं से हमको मुक्ति मिल जाए। इस वीडियो में मैं दो ऐसे साधारण उपाय की बात करने वाला हूं जिनको आप कर देंगे यदि इस पितृ पक्ष में तो आपको वर्ष भर पितृ से संबंधित या पितृ दोष से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए और पितरों के इस दोष से या इस नाखुशी से यानी कि वो खुश नहीं है आपके जीवन में नहीं बन रहे काम बनने लगेंगे। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पितृ पक्ष की और पितृ पक्ष जब आते हैं तो 16 दिन जो रहते हैं वो हमारे पितरों को समर्पित हैं यानी कि हमारे पूर्वजों को समर्पित हैं या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि हमारे कुटुंब के लोग यानी कि हमारे अपने लोग जो हमसे दूर यानी कि श्री चरणों में हैं हम उनको याद भी करते हैं वर्ष में एक बार और उनको भोजन इत्यादि भी कराते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्ष में पितृ पक्ष जब आता है तो प्रत्येक व्यक्ति को हिंदू धर्म के अनुसार उनका आचरण अपनाना चाहिए यानी कि उनकी जो भी सीख है उनको लेनी चाहिए। ये याद करने का दिन भी है। दूसरा, उनकी सेवा करने का मौका आपको मिलता है। ऐसा करने से आपके घर के इष्ट देव भी प्रसन्न होते हैं या आपके कुल देवी देवता भी खुश होते हैं और आपके पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं जिससे कि आपके जीवन में आ रही कठिनाइयां या आपके जीवन में रुक रहे कार्य अच्छे होने लगते हैं। दो ऐसे उपाय पितृ पक्ष में कर लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। 29 सितंबर 2023 को पितृ पक्ष शुरू होगा पूर्णमासी से और 14 अक्टूबर 2023 को यह खत्म होगा अमावस्या के दिन। तो ये 16 दिन जो होंगे कायदे में तो आपको प्रतिदिन सुबह के समय दक्षिण की ओर मुख कर जल देना चाहिए अपने पितरों को और कुछ ना कुछ भोग में उनको अर्पित करना चाहिए। दूसरी चीज, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कैसे किसी भी कारण से या किसी भी व्यस्तताओं के कारण से तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपको जो भी अपने पितरों के दिन याद हों उन दिन ब्राह्मणों को अवश्य भोजन कराएं और ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पाते हैं ऐसी स्थितियां हैं तो गाय को अवश्य कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए अपनी श्रद्धा के अनुसार पितरों का नाम लेकर, तो भी लाभ मिलता है। अब बात करते हैं उन दो उपाय की जिनको करने से पितृ दोष से भी मुक्ति मिलेगी और पितृ पक्ष में भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। क्या करना चाहिए? पहला उपाय, आप अपने घर में इस पितृ पक्ष के दौरान किसी भी दिन खीर बनाइए, लेकिन यदि पूर्णमासी के दिन बनाते हैं या अमावस्या के दिन बनाते हैं तो सबसे ज्यादा लाभकारी यह उपाय बन जाता है। तो आपको बस इतना करना है कि आप अपनी इच्छा से जितनी चाहें खीर बनाएं, आप एक कटोरी दो कटोरी जितनी आप उसको बांट सकें या जितनी आप उसको खिला सकें, क्योंकि हमको यह जो खीर होगी ये पक्षियों को डालनी होगी और गाय को खिलानी होगी। क्या करना है? खीर बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी खीर बनानी है यानी कि अच्छे से पका कर खीर बनानी है जिसमें बहुत ज़्यादा स्वाद आए और उसके बाद उसको मीठा करना है। मीठा जब करेंगे तो कोशिश करें मिश्री से करें और मिश्री से मीठा करने के बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार या अपनी स्थिति के अनुसार जो भी मेवा आप उसमें डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, उनको काट कर उसमें डालिए। जब अच्छे से खीर तैयार हो जाए उसमें दो रोटी तीन रोटी जितनी खीर आपने बनाई है उसके अनुसार आप देख लीजिए, एक से तीन पांच रोटी जो भी आप चाहें रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करिए उस खीर में मिक्स कर दीजिए और खीर में मिक्स करने के बाद आपके आसपास जहां भी गाय मिले आपको गाय को खिलवाइए और उसको छोटे छोटे छोटी छोटी जगह पर आप रख दीजिए जहां पर पक्षी आते हों यानी कौओं को और पक्षियों को वो मिल सके और वो खा सकें। यानी कि आपको खीर बनानी है बड़ी अच्छी, उसमें रोटी तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्स कर लेने हैं और वो आपको खिलाने हैं गाय माता को और पक्षियों को। एक उपाय तो ये करना है, यह उपाय या तो पूर्णमासी पर करिए या अमावस्या के दिन करिए। दूसरा उपाय जो करना है वो इससे भी आसान है। आपको यह करना है कि आप घर में पराठा बनवाइए देसी घी का और जब पराठा बनवाएं तो या तो उसी आटे में या पराठे के ऊपर जब आप बनाएं उसी समय पर चीनी मिक्स कर दीजिए। ध्यान रखें कि चीनी पिसी हुई नहीं होनी चाहिए, चीनी साबुत होनी चाहिए। चीनी को मिक्स कर दीजिए और आप कह सकते हैं इसको चीनी वाला पराठा, और चीनी वाला पराठा बनाकर
आप इसको अच्छे अच्छे छोटे छोटे टुकड़े करिए और किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे और इन 16 दिनों में, यानी जो पितृपक्ष के 16 दिन होंगे, इन दिनों में कभी भी किसी भी दिन आप जाकर पीपल की जड़ में रख दीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए कि पितृदेव, अगर हमसे कोई गलती हुई है, आप हमसे रुष्ट हैं, जाने अनजाने से कोई गलती हो गई है, तो आप हमें क्षमा करें। यदि पितृदोष है तो यह दोनों उपाय उस दोष की मुक्ति की मनोकामना के साथ आप करें। आप देखेंगे पूरे वर्ष भर पितरों से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, काम को लेकर जो समस्याएं चल रही थी, वो समस्याएं आपके जीवन से जाने लगेंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।